हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं उड़द के उद्भुत गुण, जिसमें कितने भारी गुण भरा हुआ है इसके बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ। उड़द गरिष्ठ और ठंडक प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है। जो लोग इसे आसानी से पचा लेते हैं, उनके लिए तो ये टॉनिक का काम करता है। सारे टॉनिक फेल है इनके सामने। लेकिन जो ये गरिष्ठ तो है, लेकिन ये जब गरिष्ठ भी है, लेकिन ये गरिष्ठ ख़त्म इसका कैसे हो जाता है कि इसका जो छौक लगाना है ना आपको, वो काली मिर्च और अदरक से लगाना है, तो इसकी जो गरिष्ठता है वो ख़त्म हो जाती है। और जैसे आम दाल आसानी से पचने लगता है, उसी तरह से पच जाता है। और आगे ये किस किस बीमारी में काम आता है, ये मैं आपको बतलाता हूँ। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, शुरू से अंत तक देखिए और इसके गुण को जानिए और इसका इस्तेमाल करके अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाइए। तो दोस्तों, आगे है मधुमेह। मधुमेह रोग में उड़द की दाल का सेवन बहुत लाभदायक है। करेले और उड़द की दाल को साथ साथ खाने से मधुमेह रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इसमें और एक दूसरी है, सबसे बड़ी जो ताकत छिपी हुई है वो संभोग शक्ति। दोस्तों, इसकी खाने से संभोग की शक्ति बिल्कुल बहुत बढ़ जाती है, जितना कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उड़द की छिलके वाली दाल गाय के दूध और घी के साथ खाने से संभोग की शक्ति में वृद्धि होने लगती है। यह उत्तम सेक्स टॉनिक है। दोस्तों, टॉनिक तो सब पीते हैं, लेकिन ये जो इसको खाने से जो है वो सेक्स की टॉनिक प्रदान करता है। यह दाल, गेहूं और रोटी के साथ खाना पुष्टिकारक है। दाल पीसकर दही में मिलाकर बड़े बनाकर या तलकर खाने से वीर्य और बल दोनों की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। आगे है तंत्रिका विकार। उड़द की दाल को आधे उबले हुए अंडे के साथ खाने से तंत्रिका विकार ठीक हो जाते हैं। तंत्रिका विकार जो है वो बहुत कमजोरी वाले के ही होता है, इसलिए तंत्रिका की कमजोरी भी आपको इससे ठीक हो जाएगा। याददाश्त की कमी और हिस्टीरिया जैसे रोगों में भी लाभ होता है। दोस्तों, इसको खाने से आपकी याददाश्त जो है, जैसे आप कोई काम करते हैं तो वो भूल जाते हैं, या पढ़ते हैं तो आप भूल जाते हैं, फिर याद नहीं रहता है, तो ऐसे पोजीशन में आप इसका इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त बिल्कुल नहीं जाएगी। आगे हिस्टीरिया भी, हिस्टीरिया की अगर बीमारी है, शिकायत है, तो वो भी दोस्तों ये ले सकते हैं। और हिस्टीरिया की बीमारी, इसका इस्तेमाल लगभग लगातार करने से हिस्टीरिया की भी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आगे है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में आपको ये कैसे काम करता है वो मैं बतलाना चाहता हूँ। उड़द की दाल को पीसकर, जैसे ये जो उड़द है इसकी, इसको पीसकर और वो जहाँ पे कोढ़ का वो जो सफ़ेद सफ़ेद दाग सा है, तो वहाँ क्या है, पीसकर उसको कोढ़ पे लगाने से जो उसका है वो दाग ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कोढ़ कई किस्म के होते हैं, एक तो बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें कि जख्म सा दिखाई देता है, बहुत से सफ़ेद सिर्फ दाग हो जाता है। तो ये सारे कुष्ठ रोग के जितने भी तरीके वो हैं, वो रंग के कोष्ठ, ये सारे में फायदे करते हैं। और उसको पीस करके आपको उस पर लेप लगाने से वो ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को सफ़ेद दाग है तो सफ़ेद दाग भी इससे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आगे है पाचन तंत्र विकार। जिन लोगों को उड़द की दाल आसानी से पच जाती है, उन्हें पाचन तंत्र की विकार नहीं होते। मतलब ये दाल खाने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा पाचन तंत्र ठीक है या नहीं। अगर इसका दाल आप खाते हैं तो बिल्कुल अगर आसानी से पच जाता है, तो समझिए आपका पाचन तंत्र विकार जो नहीं है। यह दाल गैस्ट्रिक लोगों, पेचिश और दस्तों वाले के लिए भी लाभदायक है। दोस्तों, जिसको गैस्ट्रिक की बीमारी होती है और पेचिश की बीमारी होती है, दस्त बराबर होते रहते हैं, तो उनके लिए ये उड़द की दाल बहुत रामबाण इलाज है। दोस्तों, और आगे उड़द को लोग साबुत तथा दाल के रूप में खाते हैं। दक्षिण भारत में उड़द की दाल को चावल के साथ पीसकर और इनके हल्का सा खमीरा उठाकर इसके बड़े बनाते हैं। उड़द की दाल भरकर कचौड़ियाँ भी बनाई जाती है। उड़द की दाल को पानी में भिगोकर और पीसकर इसकी इमरती भी बनाई जाती है। उड़द की दाल के पापड़ भी बनते हैं। दोस्तों, आगे मैं आपको ये जानकारी दी लाभ के लिए। अब इसको आपसे कुछ सावधानी भी रखना है, तो सावधानी क्या है वो आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके लिए सावधानी यही है कि उड़द गरिष्ठ खाद है, अतः कमजोर शक्ति पाचन वाले को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जिसकी पाचन शक्ति काफ़ी कमज़ोर है, हल्का भोजन डॉक्टर ने खाने को कहा है, तो
तो वो उड़द का इस्तेमाल ना करें, उसके लिए ये हानिकारक होगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।